नमस्कार दोस्तों, आज दोस्तों मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G वाले मॉडल की, जो दोस्तों हमारे पास ट्रिपल एड वाला वेरिएंट। दोस्तों इस फ़ोन में एक आ चुका है एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट। अब दोस्तों काफ़ी लोग बोलेंगे कि ये अपडेट तो हमारे फ़ोन में काफ़ी पहले आ चुका था, तो अभी आप वीडियो क्यों बना रहे हो। दोस्तों जो मुझे नहीं पता ये अपडेट कब आया था, बट मैंने अभी अपने इस फ़ोन में चेक किया तो मुझे ये अपडेट दिखा, तो सोचा चलो इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। अभी देखा जाए तो ये जो अपडेट है दोस्तों वो है वन UI 6.1 का, जिसमें दोस्तों आपको AI के फीचर मिलते हैं। तो दोस्तों ये जो अपडेट है मेरे फ़ोन में मुझे दिखा, तो मैं इसके ऊपर वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसके साइज़ की बात की जाए तो ये दोस्तों 2113 MB का, इसमें सिक्योरिटी पेज लेवल आपको अप्रैल के मंथ का ही मिलेगा, क्योंकि अभी मई स्टार्ट दोस्तों हो चुकी है बट ख़त्म ही हुई है, तो इसमें अभी आपको मई का सिक्योरिटी पेज लेवल देखने को नहीं मिल रहा। शायद इस अपडेट के बाद कोई और अपडेट पड़ा हो उसमें आपको मई का अपडेट मिल जाए, बट मुझे नहीं पता। बट फिलहाल दोस्तों जो अपडेट है वो है 6.1 का, UI 6.1 जिसके बारे में दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपके फ़ोन में जो अपडेट आ चुका है तो अच्छी बात है, और आप मुझे ये नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि इस अपडेट को करने के बाद आपके फ़ोन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और बैटरी का क्या इफेक्ट जो है दोस्तों पड़ा है। क्योंकि मैंने जैसे ही जब मैं फ़ोन में ये अपडेट देखा तो मैंने इसको डाउनलोड करना शुरू कर दिया, बट वीडियो रिकॉर्डिंग के चक्कर में मैंने उसको वहीं रोक दिया है। तो अगर आपके फ़ोन में अपडेट आ चुका है और अभी आपने नहीं किया है तो आप फटाफट से इस अपडेट को अपने फ़ोन में कर लें, और इस अपडेट को करने के बाद दोस्तों आपके फ़ोन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें मिली हैं, क्या क्या दोस्तों जो बेकार चीज़ें आपको इस फ़ोन में देखने को मिली हैं, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, जिससे दोस्तों मैं उसके ठीक से चेक कर सकूँ। तो दोस्तों बस इतना ही था इस वीडियो में, क्योंकि सॉफ्टवेयर के बारे में दोस्तों आपको बताना था जो मैंने बता दिया, ज़्यादा कुछ है नहीं इस बताने के लिए। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो थोड़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक उसे जरूर करें, और अभी तक हम सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।